इसराइल के लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से हिजबुल्ला बुरी तरह तमतमाया हुआ है और इसराइल के द्वारा की जा रही एयर स्ट्राइक का बदला वो मिसाइल अटैक करके ले रहा है। हमास के इसराइल पर हुए हमले की बरसी के दिन हिजबुल्ला ने इसराइल के बंदरगाह शहर हाइफा और तिबेरियास में भीषण मिसाइल हमला किया था इसराइल के अनुसार, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लेबनान में गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सैनिकों को जमीन पर तो टक्कर दे ही रहे हैं, साथ ही मिसाइल हमलों से इजरायली शहरों को भी दहला रहे हैं। ताज़ा हमले में लेबनान का हिजबुल्ला इजरायली राजधानी तेल अवीव पर फिर आसमान से आफत बनकर टूटा। दावा है कि लड़ाकों ने इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालय के पास एक इजरायली बेस पर रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्ला ने बताया कि उसने तेल अवीव के पास IDF के ग्लिलोड बेस को निशाना बनाया। लड़ाकों ने इस बेस में 8,200 सैन्य खुफिया यूनिट पर धावा बोला, जिसे इजरायली सेना की सबसे बड़ी इकाई बताया जाता है। इसमें कई हजार इजरायली जवान शामिल हैं, जो कि मोसाद मुख्यालय से सटा हुआ है। लड़ाकों ने सेंट्रल इसराइल पर जमकर रॉकेट बरसाए। हिजबुल्ला ने बयान जारी करते हुए ताज़ा हमले को खैबर ऑपरेशन का ही हिस्सा बताया। बताया जाता है कि लड़ाकों ने इजरायली ठिकानों पर टारगेट सेट करते हुए अपने हमलों को अंजाम दिया। वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्ला की ओर से हुए हवाई हमलों की पुष्टि की है। IDF ने लेबनान से हुए हमलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमले में 5 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया, बाकी खुले इलाकों में गिरे, जिससे कोई चोट या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा कि ये ऑपरेशन लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए किया गया और इजरायली वायुसेना की बर्बर बमबारी के जवाब में किया गया था। वहीं IDF ने दावा किया कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों ने इस इलाके को कई मोर्चों के युद्ध में झोंक दिया है। हिजबुल्ला लगातार इजरायली नागरिकों पर हमला कर तनाव को बढ़ा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने अपने कई रॉकेट लॉन्चरों से पश्चिमी गैलीली में एडमिट, हनीता और श्लोमी की बस्तियों पर भी बम वर्षा की। न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक लेबनान से हुए हमलों के चलते इजरायली शहरों अविविम, डाल्टन और यूरोन में हवाई हमले के अलर्ट सायरन भी बजे। इजरायली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्ला के ताज़ा हमलों का इजरायल ने भी उसी की भाषा में बड़ा जवाब दिया है। IDF ने लेबनानी राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर हमला कर हिसाब चुकता कर दिया। इससे पहले हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी छोर के मुख्य ठिकानों पर रॉकेट अटैक किया था। समूह ने उत्तरी इसराइल के रणनीतिक तौर पर सबसे अहम निमरा बेस पर हवाई हमले किए। साथ ही जल अल आलम साइट पर लड़ाकों ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। बताया गया कि इजरायली बलों के वाहनों और उनकी टुकड़ियों पर भी एक एक कर रॉकेटों से हमले किए गए। हिजबुल्ला ने करमील, केफर फ्रेडिम और बेथ हिलेल में बस्तियों और हाइफा शहर के उत्तर के कई गाँवों पर भी रॉकेट दागे थे। वहीं हिजबुल्ला लड़ाकों के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने लेबनान में अपने जमीनी ऑपरेशन को तेज किया है।